बेगूसराय में भीड़ का एक बार फिर क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में दर्जनों लोगों ने दो युवक की जमकर पिटाई की। घटना नगर थाना क्षेत्र के MRJD कॉलेज की बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दोनों युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और दूसरे का इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान विशनपुर निवासी करण कुमार के रूप में की गई। दो जो युवक के घायल होने का सूचना आया था, तो सूचना पे त्वरित कार्रवाई जो करके पुलिस जो पहुंची और फिर दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती जो करवाया गया, जिसमें एक हम बिलास के जो क्रम में मृत्यु की सूचना और सेकंड जो घायल है अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबकि मृतक की पहचान प्रमिला चौक निवासी संजीव कुमार के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा घर से जबरन उठाकर ले जाया गया और उसकी पिटाई कर हत्या कर दी। मृतक संजीव कुमार के परिजनों की माने तो दबंगों के द्वारा उसे चोरी करने के लिए कहा जाता था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। मंगतुन यादव ने बुलवाया घर पर से, हम बोले हमारा बेटा नहीं जाएगा, तू मारने के लिए उठ गया, बोला जरूरी काम है जाने दीजिए। उसके बाद दो आदमी से मिल के ले गया, वो आदमी को हम नहीं चिन्हते हैं, क्या कारण था सर हम नहीं जानते हैं, वही न जानेगा। मारपीट किया क्या होगा कि गलत काम करने के लिए नहीं कछ होगा, इसीलिए मारपीट किया होगा। वो 10 गो चोर चुहार को रखता है, ऐसा बच्चा बुलवा के जबरदस्ती कहता है कि काम करो, जो बच्चा नहीं गसता है चोरी डकैती कहता है करके हमको दो, नहीं बच्चा गसता है उसके बाद में सब मारपीट करता है। पुलिस ने घटना में गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और गंभीरता से जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।